पीछे एक आदमी का हाथ होता है वो साबित करके दिखाने वाला महात्मा ज्योतिराव फुले के निशान दे रहे। इक्विलेशन उन्होंने सीखा है। अगर गुरु दक्षिण अगर किसी से कोई मांगता है तो महात्मा फुले से बाबा साहब से पूछो कि बाबा साहब महात्मा फुले ने जब स्कूल चालू की पुणे में उसका घर नंबर था 395 और बाबा साहब ने संविधान भी लिखा 395 कलम। ये गुरु दक्षिण अपने को खाली मालूम है नहीं बाबा साहब का फायदा आता से जाकर करना फलाना करना क्यों एक दिन में ना फिक्स करके अम्बेडकर जयंती आएगी आदमी की औरत की ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। मेरा भाई आएगा मेरे को लेने, मेरी बहन आएगी मेरे को लेने, मेरे माँ बाप आएंगे लेने, मैं जयंती में जाऊँगा उनसे कपड़ा खरीदूंगा सब कुछ खरीदूंगा सब कुछ दे पाएगा मेरा आदमी नहीं दिलाएगा लेकिन मेरे माँ बाप दिलाएंगे। एक औरत अम्बेडकर जयंती के टाइम राय देख रहे थे अपने भाई को कि मेरा भाई आगे मुझे दे जाएगा भाई बहन का रिश्ते के बारे में वो राय देख रहे थे कि मेरा भाई आएगा मेरे को लेके जाएगा 3 बजे 2 बजे 4 बजे आया नहीं भाई। बच्चा पूछते रह गया उससे कि मामा आला नहीं बोले नहीं आना थोड़ा गुस्से हो गया। 7 बज गए उसको समझ में आ गया कि मेरा भाई आने वाला नहीं। उसके सास ने पूछा कह रहे तेरे मायके के कोई लोग आए नहीं। अब लड़की है ना अपने मायके की बात में ढका चुकी है दिन बोले मेरे भाई को काम होगा 2-4 लोगों में मीटिंग होगी फिर वो मीटिंग हैंडल करके आ गया। रात के 9 बजे भाई आया पहले ना कागज़ पे लिखने का जमाना था लेकिन अभी व्हाट्सअप बहुत पास चला उन्होंने मैसेज टाइप कर दिया अपने भाई को मोबाइल मैसेज टाइप करते करते ना उसके भाई का आंसू और मोबाइल पे ना मोबाइल पे गिर गया उन्होंने मोबाइल भी हिलने लगा देखो जब सेंसर पे पानी गिरता है तो मोबाइल हिलता है। वो बहन ने क्या लिखा होगा अपने भाई के लिए मैं GSC लाइफ के फाउंडेशन चालू किया हुआ एक भाई के नाते एक बाप के नाते एक दोस्त के नाते चालू किया मैं सबका भाई बहन के जीने के लिए चालू किया। क्या बहन ने लीला होता काय लीला असर था भाई बहन गर्दी तो मानसाचा हरवला माफा बोला सामना दादा तुला पंता पत्त्यावर बैठा था गर्दी तो माणसाचा हरवला माझा भाऊ सांग ना रे दादा तुला कोणत्या पत्त्यावर बैठायला तुझ्या दादीचं काम गेलं रे दिवस खराब आले तुझ्या दादीचं काम गेलं रे दिवस खराब आले काही सूचना झाल्या म्हणून तुला फोन केला पण वहिनीला फोन उचलून सांगितलं की रॉंग नंबर लागला तरी तू वाईट वाटून घेऊ नको पण दादा सांग ना रे तुला कोणत्या पत्त्यावर बैठायला हे बहिणीचं घर नाही मायबाप गेल्यानंतर लेकीला घराची जागा नसते पण ती लेख त्या भावाला लिहिते की आई बाबा गेले रे चप्पल सोडायला जागा उरली ना नको तुझ्या घराची वाटणी नको तुझ्या शेताची वाटणी चटणी भाकर एक बार बसून तरी खाऊ सांगणार दादा तुला कोणत्या पत्ता लेकरांचा फ्युचरचा विषय आहे ना माझा मुलीचा फ्युचर का माझा सगळ्यात मोठा आधार त्याची माय असते बाप घराची जरूरत पुरी करणारा असतो पण लेकरांचं भविष्य घडणार माय असते मायला वेळ पाहिजे बोलण्यास पैसे सगळे कमवतात पैशाची गरज सगळ्यांना असते सगळ्यांना त्याची भूक असते पण जे पैसे कमवताना मरमर करतात त्या पैशाला कमवून अगर आपल्याला ठेवून आलं तर ज्याच्यापासून बसून बात करण्याचे एक निवारा करण्याचे अगर आपल्याला टाकत नाही जो बच्चे के साथ अगर आप बैठ के खाना ही नहीं खा सकते तो वो पैसा कमा के फायदा ही क्या है।